अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स 11 चैप्टर 1, जिसका आज टॉपिक है डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। स्टूडेंट्स, फिजिकल क्वांटिटीज से आप पहले से ग्रेड 9 में लैटरल ग्रेड आपको अवेयरनेस है। यानी हमने कहा था कि ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज, और आप पढ़ रहे हैं यूनिट इन मेजरमेंट का चैप्टर। सो वो तमाम क्वांटिटीज जिसको मेजर किया जा सकता है, जिसकी पैमाइश की जा सकती है, वो तमाम के तमाम मेजरेबल क्वांटिटीज क्या कहलाती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। अब इसमें एक न्यू टर्म इंट्रोड्यूस हुई है, दैट इज डायमेंशंस। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर डायमेंशंस का मैं वैसे ही एक जो है मीनिंग डिस्क्राइब करूं, तो हम वैसे ही डायमेंशन कहते हैं कि लाइक मेरे पास थ्री तरह के डायमेंशन है, एक्स वाई एंड जेड, और मैं इस मार्कर के इनमें से किसी एक मार्कर की लेंथ मेजर करना चाहता हूं। ठीक है, तो मैं इस मार्कर को लेट्स सपोज यहां से ऐसे रखूं, या फिर ऐसे रखूं, या फिर स्टूडेंट्स मैं इसको ऐसे रखूं, किसी भी तरीके से रखूं, तो आप देख सकते हो कि जो मार्कर है वो वाई जेड प्लेन में भी है, वो एक्स जेड प्लेन में भी है। क्लियर? यानी ये थ्री डायमेंशनल जो है ये आपके पास ये मार्कर जो है ये पूरी तरह हर प्लेन में थोड़ा थोड़ा एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अगर हमें इसके डायमेंशनली देखना है, ठीक है, तो हम ये अब हर ऑब्जेक्ट को इस तरीके से एक्स वाई जी प्लेन में हर ऑब्जेक्ट को रखना, फिर उसके डायमेंशंस को मेजर करना, इट्स टू डिफिकल्ट टास्क फॉर अस। इसलिए हम कन्वीनियंस की तरफ जाना चाहेंगे कि जिसे हम बासानी जो है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फाइंड आउट कर सकें। इसीलिए हम कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस की तरफ जाते हैं, बजाय ऐसे एक्स वाई जी प्लेन्स के अंदर एक एक अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को रख के डायमेंशंस को फाइंड करना, उनके डायमेंशंस को देखना, तो हम फिर कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस की तरफ जाते हैं, मैथमेटिकल स्टेप्स की तरफ जाते हैं, जिससे हमारे लिए उस फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन पता करना आसान हो जाता है। स्टूडेंट्स, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस जानने से पहले आपको हम लेके जाते हैं वो बेस क्वांटिटीज जो आपने पढ़ी थी, और वो ड्राफ्ट क्वांटिटी जो आपने ग्रेड 9 में स्टडी की थी। बेस के बारे में आप क्या कहते थे? बेस ऐसी क्वांटिटी है जो के अदर क्वांटिटीज को, जिसमें से दूसरी क्वांटिटी को अखज किया जाता है, जिसमें से दूसरी क्वांटिटी को एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है, जिसमें से अदर क्वांटिटी को, जो अदर क्वांटिटी के लिए एज अ फंडामेंटल के तौर पे काम करती है, ठीक है, जिसमें से अदर क्वांटिटीज को इन टर्म्स ऑफ दिस फंडामेंटल क्वांटिटी एक्सप्रेस किया जाए, वो बेस क्वांटिटी कहलाती थी। सो सेम ऐसी हुआ कि फिजिक्स ने सेवन डायमेंशंस, जैसे सेवन बेस क्वांटिटीज थी, ऐसी सेवन डायमेंशंस डिफाइन कर दी। ठीक है, यानी ये सेवन डायमेंशंस डिफाइंड है, इसमें से जितने भी अदर क्वांटिटीज को इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन एक्सप्रेस किया जाएगा, ठीक है, तो वो आपके डिराइव्ड क्वांटिटीज कहलाएंगी, और उनके टर्म्स को हम, यानी उनको, उनकी क्वांटिटीज को हम सेवन डायमेंशन ऑफ द वर्ल्ड से, यानी इस दुनिया में जो सात डायमेंशंस डिफाइन है, वही सात बेस यूनिट्स के सात डायमेंशंस डिफाइन है, उसमें से जो भी हम अदर क्वांटिटीज को डिराइव्ड करेंगे, उन्हीं में से जैसे आप बेस क्वांटिटीज से आप डिराइव्ड क्वांटिटी को एक्सप्रेस किया करते थे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले बात करते हैं कि सेवन डायमेंशंस कौन सी हैं इस वर्ल्ड के अंदर, पूरे वर्ल्ड यूनिवर्स के अंदर हमने सात डायमेंशंस को डिफाइन किया है। ठीक है, वन बाई वन उसकी बात कर लेते हैं, फिर आपको ये जो डेफिनेशन है इसकी तरफ लेके चलते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं व्हाट आर द सेवन डायमेंशन ऑफ द वर्ल्ड। सेवन dimensions of world. So it's हमारे पास बिल्कुल
ऐसे ही जैसे बेस यूनिट्स हुआ करते थे, सबसे पहले हम सारे बेस यूनिट्स ले, जिनको फंडामेंटल यूनिट्स कहा जाता है, जिनमें से अदर क्वांटिटी एक्सप्रेस करते हो आप, जिनमें से अदर क्वांटिटी ड्राफ्ट करते हो, सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, सो दीज आर द बेस यूनिट्स, इन्हें हमारे पास ये बेस क्वांटिटीज पे कहलाते थी, दीज ऑल आर द बेस क्वांटिटी एंड दे आर मेजरेबल, दे कैन बी मेड बाय यूजिंग सम इंस्ट्रूमेंट्स, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, and seventh one, intensity of light. Intensity of light. Okay, students, ये है वो सात dimension, सात आपके base units, और अब हम बात करेंगे कि ये seven dimension, सात जो physical base units थे आपके पास, यानी जो seven फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इनके लिए हम जो है वो सेवन डायमेंशन ऑफ द वर्ल्ड कैसे डिफाइन करेंगे। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि कोई भी किसी भी चीज का आपको डायमेंशन लिखना है उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हम लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, एनीथिंग, आइदर हमने एक्सप्रेस करना हो ड्राफ्ट, या हमने फंडामेंटल डायमेंशंस लिखने हो, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की या बेस क्वांटिटीज की डायमेंशन लिखना हो, हम उसको स्क्वायर ब्रैकेट में एक्सप्रेस करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेंथ का स्टूडेंट डायमेंशन है वो हम लेते हैं कैपिटल एल, क्लियर। मास का जो डायमेंशन होता है दैट इज कैपिटल एम, और हम उसको स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करते हैं। टाइम का जो डायमेंशंस है, ठीक है, उसको हम लिखते हैं कैपिटल टी। इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन जो है वो हमारे पास है एम्पेयर, चूंकि इसके यूनिट आपको याद रहो तो आपके पास आप करंट का यूनिट याद कर लेना एम्पेयर कैपिटल ए, उससे आप इसका डायमेंशन याद कर लें, इलेक्ट्रिक करंट एम्पेयर फॉर कैपिटल ए। टेम्परेचर को स्टूडेंट्स हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से, क्लियर। इसके लिए ये सिंबल भी यूज होता है और इसके लिए हम थीटा का सिंबल भी यूज करते हैं, बोथ सिंबल कैन बी यूज्ड। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए वंस अगेन जो है आप कैपिटल एन का इस्तेमाल कर सकते हो, कुछ किताबों में इसको मोल भी लिखा गया है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट को स्टूडेंट्स आप कैपिटल आई से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये है स्टूडेंट सेवन डायमेंशन ऑफ द वर्ल्ड, यानी जैसे हमने सात फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी डिफाइंस कर दी और हमने कहा कि बाकी तमाम क्वांटिटीज इसमें से ड्राइव्ड की जा सकती हैं और वो ड्राइव्ड क्वांटिटी होंगी, ठीक है, यानी किसी भी अदर फिजिकल क्वांटिटी को इसमें से एक्सप्रेस किया जा सकता है। बिल्कुल ऐसे ही हमने क्या किया, सात डायमेंशन पूरे वर्ल्ड में डिफाइन कर दी, दीज आर दी सेवन डायमेंशन ऑफ द वर्ल्ड बाय विच वी कैन एक्सप्रेस अदर डायमेंशंस लाइक डिराइव्ड डायमेंशंस, जितने भी आप इसमें से आप अदर डायमेंशंस को अखज करोगे, किसी न्यू फिजिकल क्वांटिटीज के लिए आप डायमेंशंस को लिखोगे इन टर्म्स ऑफ दीज सेवन डायमेंशन ऑफ द वर्ल्ड, और दैट्स व्हाई हम इन्हें कहते हैं कि ये फंडामेंटल डायमेंशन ऑफ द वर्ल्ड, यानी सेवन डायमेंशन है जिनमें से अदर क्वांटिटीज को एक्सप्रेस किया जाता है। सो अब चलते हैं फाइनली डेफिनेशन की तरफ। हमने क्या लिखा है, डायमेंशन डिस्क्राइब्स द फिजिकल नेचर ऑफ द वर्ल्ड। डायमेंशन जो है किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज की, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की फिजिकल नेचर हमें बताता है, ठीक है। जैसे मैंने आपसे कहा कि हम पेन रखें, तो ऐसा करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, दैट्स व्हाई हम मैथमेटिकली अपने कन्वीनियंस के लिए एक एक्सप्रेशन बनाएंगे और उसमें हम उस फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन देखेंगे,
ओके स्टूडेंट, जो मेजरली आपके पास यूज होते हैं वो ये थ्री डायमेंशन है, मास, लेंथ, टाइम। ठीक है, सबसे पहले तो आप इन तीनों के लिए हम अलग अलग इनकी फिजिकल नेचर देखते हैं कि एक दूसरे के लिहाज से क्या है, देन हम अदर क्वांटिटीज की तरफ चलेंगे और हम इन सेवन डायमेंशन ऑफ द वर्ल्ड का यूज करके अदर क्वांटिटीज इसमें से अखज करते चले जाएंगे और एक नई से नई डायमेंशंस को हम देखेंगे कि किस चीज की फिजिकल नेचर हमें किस चीज के अंदर पता चलती है। इसके सेकंड डेफिनेशन की तरफ मैं चलूंगा, बट लेटर ऑन एक से दो डायमेंशंस को एक्सप्रेस करने के बाद फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। स्टूडेंट्स, लेंथ को अगर देख लिया जाए, ठीक है, लेंथ को अगर देखा जाए तो आप देख सकते हो कि अगर मैं इसके लिए लिखूं तो मैश के अंदर लेंथ के जो डायमेंशन है दैट इज जीरो, और अपने लेंथ के अंदर जो है इसका जो डायमेंशन है दैट इज वन, एंड टाइम के अंदर इसका डायमेंशन है जीरो। यानी हम इसको थ्री वेज में एक्सप्रेस करते हैं, हमें लिखना पड़ता है, ये तरीकाकार है। आपने हर फिजिकल क्वांटिटी के लिए बताना है कि एमएलटी जो है इस फिजिकल क्वांटिटी का मास में क्या डायमेंशन है, इस फिजिकल क्वांटिटी का टाइम में क्या डायमेंशन है। यानी अगर आपसे पेपर में पूछा जाए या टेस्ट में कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ मास, ओके, एंड टाइम, ओके, मास एंड टाइम इन लेंथ, आप कहोगे द डायमेंशन ऑफ मास एंड टाइम इन लेंथ इज जीरो। ठीक है, लेंथ जो है, अब देखो फिजिकल नेचर कैसे बता रहा है, किसी भी चीज की लेंथ ना उसके मास पे डिपेंड करती है। क्या किसी चीज की लेंथ नापते हो उसका मास देखते हो? नहीं ना। या किसी चीज का लेंथ नापने के लिए टाइम को देखते हो उस टाइम? नहीं। क्या करते हो? जस्ट यूज इंस्ट्रूमेंट एंड मेजर द लेंथ बाय यूजिंग सम इंस्ट्रूमेंट, लेंथ नापते हो। तो इसकी फिजिकल नेचर इसने बताई कि नहीं बताई? यस। इसलिए वो कहता है कि डायमेंशन डिस्क्राइब फिजिकल नेचर, बताता है कि इसका जो नेचुरल एग्जिस्टेंस फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर क्या है, किस चीज पे डिपेंड करता है, किस चीज में नहीं डिपेंड करता, और इसकी जो डायमेंशंस है वो क्या है। क्लियर? सिमिलरली मास की तरफ अगर आप आओ तो वंस अगेन मास का डायमेंशन जो है वन है, लेंथ में इसका जीरो है, टाइम में इसका जीरो है। तो मास जो है, क्या किसी चीज का मास मेजर करने के लिए किसी भी बैलेंस से क्या तुम उसका लेंथ देखते हो, नापते हो? नॉनसेंस ना, इंडिपेंडेंट फिजिकल नेचर बता दे कि लेंथ नहीं, जीरो डायमेंशन। टाइम मेजर करते हो, मास कैलकुलेट करते हो, जीरो। सो फिजिकल क्वांटिटी में वो बता रहा है, फिजिकल नेचर इसके बता रहा है मास का डायमेंशन, मास के अंदर तो वन है बाकी सब के अंदर जीरो है। क्लियर? फिजिकल नेचर के हिसाब से। सिमिलरली अगर तुम टाइम को देखो, टाइम का मास इन लेंथ के हिसाब से डायमेंशन जीरो है और टाइम का टाइम के अंदर डायमेंशन वन है। तो तुमसे अगर कोई पूछे व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ मास इन लेंथ एंड टाइम, यू विल बी आंसर टू हिम, इस मास का डायमेंशन जीरो है टाइम के अंदर और लेंथ का डायमेंशन भी जीरो है। और अगर मैं इसकी फिजिकल नेचर डिस्क्राइब करने की बात करूं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की फिजिकल नेचर हमें कैसे पता चलती है, अगर मैं तुमसे टाइम पूछूं तो क्या तुम मुझे ये कहोगे कि गिर चीजों का मास बताओ तब मैं तुम्हें टाइम बताऊंगा? या फिर अगर मैं तुमसे वक्त पूछूं कि वक्त के इस वक्त डायमेंशन क्या है तो क्या तुम मुझे ये कहोगे कि सर फलानी चीज की आप लेंथ नाप के दें फिर मैं आपको टाइम बताऊंगा? टाइम का टाइम के अंदर डायमेंशन वन है बाकी सब चीजों के अंदर जीरो है, क्योंकि टाइम किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता। सो स्टूडेंट्स, ये तो थी इसके फर्स्ट डेफिनेशन की तरफ। अब हम सेकंड की तरफ, ये इसकी फर्स्ट डेफिनेशन थी, इसके सेकंड की तरफ चलते हैं। क्या कहता है? डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स। पावर्स स्टूडेंट्स, ये वो पावर्स नहीं है जो आपने ग्रेड 9 में पढ़ा था वर्क बाय टाइम, ये वो पावर नहीं, मैथमेटिकल पावर। ठीक है, एक्स की पावर 2, y की पावर 3, z क्यूब, y स्क्वायर, ये वो उस पावर की बात हो रही है। ठीक है, ये पावर देता है,
आर्स, ठीक है, आर एक्सपोनेंट्स या फिर एक्सपोनेंशियल उसको रेज करता है। वैसे पावर और एक्सपोनेंट्स एक ही तरह की मीनिंग है। जैसे एक मैथमेटिकल तुम लिखते हो, ये बेस होती है, ये बेस होती है, और ये तुम्हारे पास क्या होता है, पावर होता है, ठीक है, पावर्स आर एक्सपोनेंट्स। ओके, ठीक है, इसको तुम बोलते हो पावर्स, ये तुम्हारे पास बेस होती है। कहता है कि डायमेंशंस क्या होते हैं, जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को पावर्स दे, पावर्स यानी उसकी पावर को रेज कर दे, ठीक है, वो होते हैं डायमेंशंस। आगे क्या लिखता है, किसी फंडामेंटल क्वांटिटी, ये रहे फंडामेंटल क्वांटिटी स्टूडेंट्स, मास, लेंथ, टाइम, वेलोसिटी, करंट, टेंपरेचर, ब्ला ब्ला, ठीक है, सेवन आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज है, जिसकी पावर को वो क्या कर दे, रेस कर दे उस क्वांटिटी को कंप्लीटली एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है जी, उस क्वांटिटी को कंप्लीटली एक्सप्रेस करने के लिए उसे पावरली या एक्सपोनेंशियली रेस कर दे, उसका एक्सपोनेंट रेस कर दे, ठीक है, पावर रेस कर दे उसका, तो ऐसी चीज कहलाती है डायमेंशंस। आइए इसके सेकंड डेफिनेशंस को उठाते हैं, पिक करते हैं और जरा अप्लाई करते हैं कि डायमेंशंस कैसे फंडामेंटल क्वांटिटी की पावर रेस करते हैं। ओके, वन बाय वन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, बात करते हैं एरिया की, किसकी, एरिया, इसी चीज की लेंथ। अगर तुम एरिया कैलकुलेट करते हो तो क्या करते हो, उसको हम लेते हो बेस क्रॉस हाइट ले लेते हो, ठीक है, बेस क्रॉस हाइट। अगर देखो तो तुम बेस को भी मीटर में मेजर करते हो और इसके साथ साथ, इसके साथ साथ हाइट को मीटर में मेजर करते हो, यानी इसका ऐसे यूनिट होता है मीटर स्क्वेयर। अच्छा, बेस भी एक लेंथ है, इट्स अ लेंथ, और हाइट भी लेंथ है, तो क्या ख्याल है, लेंथ का जो है फंडामेंटल डायमेंशन क्या है तुम्हारे पास, कैपिटल एल, पुट इट, कैपिटल एल, ठीक है, बल्कि अगर स्टार्ट में तुम ना डालो, आंसर में एक दफा स्क्वेयर ब्रैकेट डालो तब भी चलेगा, ठीक है, कैपिटल एल क्रॉस कैपिटल एल, एल स्क्वेयर। अब यहां पर तुम्हारे पास एक शॉर्ट ट्रिक है, अगर तुम एस आई यूनिट्स में एक्सपर्ट हो, उसका किसी भी फिजिकल डिराइव्ड क्वांटिटीज का, तुम किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी का तुम्हें यूनिट जुबानी याद है, तो जस्ट उसकी यूनिट को उसके डायमेंशन से रिप्लेस कर दो। कैसे, मीटर स्क्वायर, मीटर क्या है, लेंथ, फासला, तो उसका डायमेंशन क्या है, एल, मीटर स्क्वायर तो एल स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट, अभी आगे हम चलेंगे, किसी भी यूनिट्स को डायरेक्टली तुम उसके डायमेंशन से रिप्लेस कर दो, तुम्हारे पास उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन आ जाएगा। अब क्या ख्याल है, एरिया एक मेरे पास एक क्वांटिटी थी, फिजिकल क्वांटिटी थी स्टूडेंट्स, जिसका यूनिट था बेस क्रॉस, फॉर्मूला है बेस क्रॉस हाइट, और इसका ऐसे यूनिट है मीटर स्क्वायर। तो क्या ख्याल है, आर दी पावर्स, क्या हुआ कि इस फिजिकल क्वांटिटी के इसने पावर को रेज कर दिया, ठीक है, एक्सपोनेंशियली इसको रेज कर दिया, पावर टू इसको असाइन कर दी इस फिजिकल क्वांटिटी को, ठीक है। तो मैं इसका अगर कंप्लीट डायमेंशन देखो एरिया के लिए, तो क्या लिखा जाएगा, मास के अंदर इसका डायमेंशन जीरो है, लेंथ के अंदर इसका डायमेंशन टू है, टाइम के अंदर इसका डायमेंशन जीरो है। अगर तुमको कोई पूछे कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ मास इन टाइम एंड एरिया, तो योर आंसर विल जीरो फॉर मास, जीरो फॉर टाइम, और लेंथ का डायमेंशन फॉर टू। क्लियर, आइए चलते हैं वॉल्यूम की तरफ। स्टूडेंट्स, वॉल्यूम है हमारे पास लेंथ, लेंथ क्रॉस ब्रेथ क्रॉस हाइट, तो इन तीनों को अगर तुम्हें मेजर करना हो तो स्टूडेंट्स क्या करते हो, इसका लेंथ ही नापते हो ना, ठीक है, डिस्टेंस लेते हो, लेंथ लेते हो, तीनों की लंबाई को इंच टेप से मेजर करते हो या फिर मीटर रूल से मेजर करते हो या एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से, बट लेना मकसद क्या होता है, तीनों का लेंथ, लेंथ ब्रेथ हाइट का, ठीक है। मींस के क्या हुआ, ये तुम्हारे पास एम क्रॉस एम क्रॉस एम, मीटर मीटर मीटर,
क्योंकि लेंथ का ऐसा यूनिट्स क्या है, मीटर, क्यूबिक मीटर, ऐसा लिख सकते हो। तो मैंने तुमको आसान तरीका बताया था मीटर को का डायमेंशन क्या है स्टूडेंट्स, कैपिटल एल, यानी तुम इसका ऐसा यूनिट क्या कर दो, डायमेंशन से, इस डायमेंशन से रिप्लेस कर दो, सो यू विल फाइंड एल क्यूब। तो तुम क्या फील कर रहे हो, तुम्हारे फिजिकल क्वांटिटीज का एक्सपोनेंट रेज हो रहा है, तुम्हारे फिजिकल क्वांटिटी की पावर को रेज किया जा रहा है, लुक एट दैट, रेज द पावर, अगेन एरिया में तुमने देखा रेज द पावर। तो हम अगर वॉल्यूम का डायमेंशन देखें, मास के अंदर जीरो है और इस हिसाब से लेंथ के अंदर इसका थ्री डायमेंशन है और टाइम के अंदर इसका जीरो डायमेंशन। क्लियर स्टूडेंट्स, सो आगे बढ़ते हैं, डेंसिटी, डेंसिटी तुम्हारे पास किसके बराबर है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। क्या ख्याल है स्टूडेंट्स, मास का डायमेंशन क्या होता है, चलते हैं सेवन डायमेंशन ऑफ द वर्ल्ड की तरफ, कैपिटल एम जो है दिस इज योर फंडामेंटल डायमेंशन। तो हम जितने भी नए यूनिट्स को, नए डायमेंशन को एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो सेवन डायमेंशन ऑफ द वर्ल्ड से एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये बिल्कुल ऐसी जैसे हम डिराइव्ड क्वांटिटी को एक्सप्रेस किया करते थे इन टर्म ऑफ दिस क्वांटिटीज। ओके, मास बाय वॉल्यूम के बराबर है, मास का डायमेंशन है मेरे पास व्हाट, कैपिटल एम, स्टॉप में बेशक ना डाले, ओके, कैपिटल एम, और इसका डायमेंशन है एल क्यूब, वॉल्यूम को हम एल क्यूब में मेजर करते हैं, हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, मास का डायमेंशन ऑलरेडी डिफाइंड है कैपिटल एम, सो आई कैन राइट एम एल माइनस थ्री, सो आई कैन राइट लाइक दैट। इसने आपकी फिजिकल क्वांटिटीज को पावर रेज कर दी, और अगर मैं टाइम में इसका डायमेंशन देखना चाहूं देन हम इसको क्या लिख सकते हैं, एम एल, लेंथ में इसका डायमेंशन माइनस थ्री है और टाइम में इसका डायमेंशन जीरो है। ओके स्टूडेंट्स, हम ऐसा करते हैं जरा इस डेफिनेशन को मिटा देते हैं ताकि हमारे लिए वन बाय वन अब एक 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 फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन निकालना आसान हो। आपको मजीद कुछ प्रैक्टिस करवाते हैं स्टूडेंट्स। Let's do practice now, okay? क्योंकि आपने definitions को समझ लिया, आपको basis पता चल गई, so now the time for practice of other physical quantities. You will see the dimension of these physical quantities. So students, बात करते हैं velocity. Velocity किसके बराबर थी स्टूडेंट्स, बहुत इजी है, velocity is equal to displacement by time, yes, displacement by time। अब displacement क्या है, shortest फासला, shortest फासले की dimension क्या होगी, capital L। स्टूडेंट्स ये याद रखें, वो लेंथ हो, वो ब्रेथ हो, वो हाइट हो, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये तमाम के तमाम फासले हैं ना आपके पास, टर्म्स चेंज है, ठीक है, बट सब के लिए डायमेंशन क्या है, कैपिटल एल। क्लियर, सो डिस्प्लेसमेंट के लिए आप डायमेंशन को डिफाइन करें, एल टाइम फॉर टी, सो यू कैन राइट एल टी माइनस one, so similarly if we can see कि what is the dimension of velocity and mass, तो आप क्या लिख सकते हो, mass के अंदर इसका dimension zero है, length के अंदर one है, time के अंदर minus one है, ठीक है। now for acceleration
एक्सेलरेशन की बात करते हैं, एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला है व्हाट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो हम क्या कहते हैं, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम को देखते हैं, ऐसे कहते हैं हम वेलोसिटी का चेंज देखते हो टाइम के लिहाज से एक्सेलरेशन के अंदर। ठीक है, तो वेलोसिटी को तो तुमने देख लिया, ये रहा उसका डायमेंशन, तो तुम पुट कर सकते हो डायरेक्ट LT माइनस वन, यहां भी पुट कर सकते हो चेंज इन टाइम का डायमेंशन T है, इसको ऊपर लेके आते हैं LT माइनस वन डॉट T माइनस वन, यू विल सी बोथ एक्सपोनेंट्स विल एडेड टू ईच अदर, बेसिस सेम हो तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाते हैं, इंतहाई आसान। सो LT माइनस टू फॉर एक्सेलरेशन, क्लियर। सो स्क्वायर ब्रैकेट से उसको हमें एक्सप्रेस करना है, किसी भी डायमेंशन को स्क्वायर ब्रैकेट से एक्सप्रेस किया जाता है, मास में इसका डायमेंशन जीरो है, लेंथ में वन है, टाइम में माइनस टू। ओके स्टूडेंट्स, तो आप देख रहे हो व्हाट इज दैट, एक्चुअली ये आपके पास सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जिनकी एक्सपोनेंट या पावर रेज हो रही है। ठीक है, जिनकी एक्सपोनेंट या पावर रेज हो रही है, इसलिए तो लिखा था कि डायमेंशन और व्हाट डायमेंशन आर द एक्सपोनेंट आर पावर्स टू विच फंडामेंटल क्वांटिटी आर रेज्ड टू एक्सप्रेस दैट फिजिकल क्वांटिटी कंप्लीटली। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं किसकी तरफ, फोर्स की तरफ। फोर्स याद है न्यूटन सेकेंड लॉ, एफ इज इक्वल टू एम ए, एफ इज इक्वल टू एम ए की तरफ चलते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन, इंतहाई आसान स्टूडेंट्स। मास तुम्हारे पास क्या है, मास को तुम कहते हो जनाब कैपिटल एम, एक्सेलरेशन तुम अभी अभी निकाल चुके हो एल टी माइनस टू, तो मेरे पास डिफाइन हो गया के मास का डायमेंशन फोर्स के लिए वन है, लेंथ का डायमेंशन फोर्स के लिए वन है, और टाइम जो है माइनस टू है। क्लियर, सो दिस इज फॉर फोर्स। वन बाय वन ऐसे हम निकालते चले जाएंगे स्टूडेंट्स। वर्क आर एनर्जी, वर्क आर एनर्जी, वर्क और एनर्जी का बिल्कुल सेम ही डायमेंशन है। क्यों ऐसा है, क्योंकि वर्क क्या है या एनर्जी क्या है, एनर्जी के बारे में कहते हैं कैपेबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क, यानी जब किसी बॉडी से तुम्हें वर्क लेना हो तो उसको तुम क्या करते हो, एनर्जी सप्लाई करते हो, एनर्जी सप्लाई करके वर्क लेते हो, और कितना वर्क लेना हो तो कितनी एनर्जी सप्लाई करते हो, जितना का वर्क लेना हो उतनी की एनर्जी सप्लाई करते हो, तो दोनों क्या हुए सेम, बोथ आर सेम, जूल दोनों का यूनिट है। क्लियर, सो हम पे दोनों तरह से लिख सकते हैं फोर्स इनटू डिस्टेंस। ओके, ये समटाइम इसको तुम कॉस थीटा भी लिख सकते हो। ठीक, फोर्स का तो डायमेंशन तुमने देख लिया, वो क्या है एम एल टी माइनस टू, पहले चले नहीं डालते, ठीक है एम एल टी माइनस टू, ये डायमेंशन तुमने देख लिया फोर्स के लिए एम ए। ठीक है, अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, फोर्स लगाया बॉडी डिस्प्लेस्ड हुआ अपनी, ये क्या है दैट इज वर्क। ठीक है, तो तुम्हारे पास डिस्प्लेसमेंट को अगेन हम कैपिटल एल असाइन करेंगे, व्हाट इज फॉर दैट कॉस थीटा स्टूडेंट्स, थीटा जो होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जितनी भी हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जितने भी हैं कीप इन माइंड दे आर डायमेंशनलेस, दे आर डायमेंशनलेस। अब आप सोचोगे व्हाई दे आर डायमेंशनलेस, कॉस थीटा सिंपली क्या है, देखो कॉस थीटा जो है दैट इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, सो दे बोथ आर साइड्स, दे बोथ आर साइड्स, अगर ये दोनों ही साइड्स है इट मींस के इनका तो कोई यूनिट ही नहीं है, दोनों काटे जा सकते हैं आपस में, दोनों ही लेंथ है ना, परपेंडिकुलर भी अगर आप डिस्टेंस के तौर पे नापो तब भी मीटर में आएगा, हाइपोटेन्यूज भी मीटर में आएगा, इसको नापा मेल किया कट गए क्या आया
वन, यानी नो यूनिट्स। अगर जिस चीज का कोई यूनिट नहीं होता तो उसका कोई डायमेंशन नहीं होता स्टूडेंट्स, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो cos theta की टर्म है दे आर डायमेंशनलेस, ठीक है। वो तमाम फिजिकल क्वांटिटी जिनके डायमेंशन नहीं होते तो हम क्या कहते हैं उनके बारे में, दे आर डायमेंशनलेस क्वांटिटीज, डायमेंशनलेस। तो हम ये कह सकते हैं कि वर्क और एनर्जी का डायमेंशन फिर क्या होगा, एल को एल से दोनों बेसिस मल्टीप्लाई हुए, दोनों बेसिस को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास फाइनली आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चलते हैं पावर के पास। पावर, पावर किसके, पावर का जो तुमने यूनिट पढ़ा था वो वाट पढ़ा था, और वन वाट को तुम लिखते थे कि अगर कोई बॉडी वन जाउल का वर्क डन करे एक सेकंड में तो उसकी पावर क्या होगी, वन वाट। तो तुम इसको लिखते थे पी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी। वर्क का तो डायमेंशन तुम अभी अभी निकाल चुके हो, प्लेस कर दो एम एल स्क्वेयर टी माइनस टू, और टाइम का डायमेंशन भी तुम पता है, सेवन डायमेंशन ऑफ द वर्ल्ड में हमें बताया गया है कि टाइम को हमने कैपिटल टी डायमेंशन असाइन किया है, ठीक है जी। सो करते हैं स्टूडेंट्स इसको मजीद, इसको ऊपर लेके आते हैं एम एस के टी माइनस टू टी माइनस वन, दिस इज सेम है, एक्सपोनेंट ऐड होंगे एम एस के टी माइनस टू माइनस वन, द आंसर विल एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री। डोंट फॉरगेट टू पुट स्क्वायर ब्रैकेट्स। पावर के अंदर मास का डायमेंशन वन है, लेंथ का टू है, और टाइम का माइनस थ्री है। आइए स्टूडेंट्स कुछ अदर फिजिकल क्वांटिटीज की तरफ चलते हैं। एंड इसके अंदर हमें ये पता चलेगा कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की फिजिकल नेचर क्या है, वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है और उसकी नेचर क्या है। ओके सो स्टूडेंट्स, अगर इसके अंदर हम प्रेशर की बात करें, प्रेशर के अंदर क्या करते हो, P इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स का डायमेंशन देखना हो तो शॉर्ट ट्रिक तुम्हें मैंने बताई है, तुमसे भूल जाए तो फोर्स का तुमको अगर यूनिट याद है के जी एम एस माइनस टू, याद है किलोग्राम मास, मास को क्या असाइन करते हो एल, फिर क्या है मीटर, मीटर को क्या असाइन करते हो एल, एस क्या है टी, एस को टी असाइन करते हो। सेम जो आपके यूनिट के ऊपर पावर है वही पावर जो है आप डायमेंशंस के ऊपर डाल दो, एस माइनस टू था मैंने टी माइनस टू डाल दिया, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं एम एल टी माइनस टू, क्लियर। इस हिसाब से नेक्स्ट एरिया को तुम क्या साइन करोगे, एरिया किसके बराबर है मीटर स्क्वायर के, मीटर क्या है लेंथ है, सेम इसको पावर साइन कर दो। तो तुम ऐसे यूनिट से भी डायमेंशन बड़े इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट है मीटर स्क्वायर यानी एल स्क्वायर, मैं इसको ऊपर ले जाता हूं एम एल टी माइनस टू डॉट एल माइनस टू, बोथ वैल्यू सॉल्व नाउ एम एल वन माइनस टू, बेसिस सेम है, एक्सपोनेंट ऐड अप हो जाएगी टी माइनस टू, सो आई कैन राइट एम एल माइनस वन टी माइनस टू, सो दिस इज द
complete dimension. इसलिए वो कहता है कि dimension or what that are give some power or exponent to that physical quantity, describe it completely. तो यहाँ से ये physical quantity completely describe होती है. ठीक है, हम देखते हैं mass में इसका dimension pressure का एक है. ठीक है, length के अंदर इसका dimension minus one है और time के अंदर इसका dimension minus two है. So next हम बात करते हैं स्टूडेंट्स टॉर्क की बात कर लेते हैं. टॉर्क वन बाय वन हम थोड़ा सा जाते जाएंगे आगे. टॉर्क आपके पास क्या है? टॉर्क को तुम डिफाइन करते थे टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स क्रॉस मोमेंटम. फोर्स क्रॉस मोमेंटम इसी चीज पे तुम किसी भी मोमेंटम के लिहाज से फोर्स अप्लाई करो और उसके अंदर टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो, दिस इज नोन एज टॉर्क. अभी तुमने डिफाइन किया है फोर्स को kgms minus 2, इसका ऐसा यूनिट है mLT minus 2, आसानी देख सकते हो. सो मोमेंटम भी कोई डिस्टेंस होगा, फासला होगा, तो मैं यहां लिख सकता हूं mLT minus 2 क्रॉस, ये फोर्स का डायमेंशन हो गया. लेंथ ये तो मोमेंट आर्म है, मोमेंट आर्म कोई लेंथ होगी, सो इसको मैं कैपिटल एल ही असाइन करूंगा. सो आई कैन राइट एम एल स्क्वायर टी माइनस टू. लेंथ सेम है, बेसिस विल एड अप. जी नेक्स्ट किसके पास चलें? नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी के पास. फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी के बारे में तुम ने देखा है कि तुम लिखते थे रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज नोन एज, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी. यानी हम अगर किसी भी पेंडुलम का या मास अटैच टू स्प्रिंग के सिस्टम के अंदर है, पेंडुलम के फ्रीक्वेंसी के अंदर हम टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल लेते थे, ठीक है, इनवर्स लेते थे, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी निकल आती थी. तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/3. So I can write 1/T है अगर तो तुम क्या करते हो, इसको तुम लिखते थे यहाँ पे ऑलरेडी इसका डायमेंशन भी T है, ये तुम क्या लिख सकते हो T माइनस वन. तो फ्रिक्वेंसी का डायमेंशन मास के अंदर जीरो है, लेंथ के अंदर भी जीरो है, टाइम के अंदर इसका डायमेंशन माइनस वन है. क्लियर स्टूडेंट्स? अब थोड़ा सा हम आगे की तरफ चलते हैं, कुछ मजीद फिजिकल क्वांटिटीज के लिए बात करते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है वो स्ट्रांग से स्ट्रांग की जा सके. जी स्टूडेंट्स, हम अब बात कर लेते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की. ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट किस चीज के बराबर होता था हमारे पास? अगर तुम्हें याद हो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला क्या होता था, एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी एम वन बाई एम टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, इसी चीज के बराबर है. तो क्या करते हो हम यहां से ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू निकाल लेते हैं एफ आर स्क्वायर. ओके, एफ आर स्क्वायर एम वन एम टू, वेयर एम वन एम टू आर मैसेस, एफ इज द फोर्स, आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ मैसेस. सो फोर्स का यूनिट तुमको याद है के जी एम एस माइनस टू, रिप्लेस कर दो इसे के जी फॉर मास, मीटर फॉर लेंथ, एस फॉर टी आ गया, आर रेडियस है कोई फासला है, एल स्क्वेयर आ जाएगा आर स्क्वेयर की जगह, एम मास है, एम वन एम टू मैसेज है, तो क्या होगा दोनों के लिए कैपिटल एम. ठीक है जी, के जी फॉर कैपिटल एम.
सो बहुत सिंपल है, जस्ट पुट इट। क्या करोगे, फोर्स को kgms माइनस टू, यानी हम वैसे तो अगर यूनिट भी पुट करें तो यूनिट का जो तुम्हारे पास रिजल्ट आएगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यूनिट का रिजल्ट आएगा, उसकी जगह पे भी तुम डायरेक्ट डायमेंशन पुट कर सकते हो। ये प्रैक्टिस भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा करवा दूंगा, अभी हम डायरेक्ट जो है डायमेंशन को पुट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ हमने लिया हुआ एम एल टी माइनस टू, क्लियर, और रेडियस को हमने लिया हुआ आल एल स्क्वायर, एंड मैसेज को हमने लिया हुआ है एम डॉट एम। क्लियर, तो क्या होने वाला है, यहाँ पे देख सकते हो एम जो है एक एम से कैंसिल, दूसरा एम ऊपर चला जाएगा एम माइनस वन, एल क्यूब एल स्क्वायर इंटू एल, एल क्यूब टी माइनस टू, ये आपके पास किसका डायमेंशन आ गया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। अब अगर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का तुम्हारे पास डायमेंशन आ गया है तो तुम इस फोर्स का भी डायमेंशन निकाल सकते हो। कैसे, जस्ट कुछ पुट कर दें सारे के सारे डायमेंशन हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स का भी जो है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी दो मैसेस को अट्रैक्ट करेंगे, एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट्स, सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दो मैसेज के बीच में, इसका भी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट निकाल लेते हैं। पहले क्यों नहीं निकाला, सवाल ये पैदा होता है, इसलिए नहीं निकाला क्योंकि मेरे पास कैपिटल जी का ग्रेविटेशनल कांस्टेंट अननोन था, वो निकाल लिया, अब हम ये भी निकाल सकते हैं। सो वन बाय वन पुट इट, जी की जगह पर पुट किया जा सकता है उसका डायमेंशन, दैट इज एम माइनस वन एल क्यूब थ्री माइनस टू, सो दीज आर वट पावर ऑफ एक्सपोनेंट टू दिस, टू डिस्क्राइब दिस फिजिकल क्वांटिटी कंप्लीटली, मल्टीप्लाई वंस अगेन, क्या क्या आएगा, ये मैस है, वंस अगेन फिर मैस है कैपिटल एम, ये फिर आपके पास रेडियस है एल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम अगर रीड आउट करें तो मैस इनवर्स इनटू मैस कट गए, क्या बचा, एक एम बच गया, इसको लिख लेते हैं, ये एल स्क्वायर ऊपर आएगा एल थ्री डॉट एल माइनस टू, और टी की पावर क्या है जी, एक्सपोनेंट क्या है माइनस टू, तो लिखा जा सकता है एम एल थ्री माइनस टू, यस, और टी माइनस टू, तो हम आसानी से यहां पे लिख सकते हैं एल वन थ्री माइनस टू, किसका डायमेंशन है, फोर्स का डायमेंशन है, और इसको हम फिर क्या करेंगे, किसी स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करेंगे। ये कौन सा डायमेंशन आया स्टूडेंट्स, डायमेंशन आपको क्या लगता है कि ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो दो मैसेज के बीच में, क्या उस इस फोर्स का डायमेंशन या फिर वो जो फोर्स है न्यूटन सेकेंड लॉ में उसका डायमेंशन चेंज हो गया, इसमें नो, डायमेंशन कभी चेंज नहीं होते, क्योंकि एक दफ़ा जिस फिजिकल क्वांटिटी को डायमेंशन कम्प्लीटली डिस्क्राइब करते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन हर जगह एक जैसे होते हैं। ठीक है, अदर फिजिकल क्वांटिटी के रिस्पेक्ट से, ठीक है, डायमेंशन चेंज नहीं होते। ये वही चीज़ है जो तुमने उस टाइम निकाले थे, एफ फिजिकल टू एम ए, एम फॉर मैस, मैस क्या है एम, और इसका निकाला एल टी माइनस टू, ये वही चीज़ है, ये तुम्हारे पास देख सकते हो। आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं मजीद, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इलास्टिसिटी की तरफ चलते हैं, यस, इलास्टिसिटी की तरफ, ओके, अगर हम बात करें हुक्स लॉ की, हुक्स लॉ, हुक्स लॉ के अंदर तुम लिखते हो एफ इज इक्वल टू के एक्स, ऐसा ही है, यानी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, हम ये कहते हैं कि जितना किसी इलास्टिक टाइप मटेरियल पे फोर्स अप्लाई करते हो उसमें उतने एक्सटेंशन प्रोड्यूस होते हैं, उतना एक्स टाइम एक्सटेंशन प्रोड्यूस होती है, वो क्या है, वो हुक्स लॉ है। ठीक है,
तो तुम्हारे पास यहाँ एफ इज इक्वल टू के, चूंकि के अननोन है तो हम इसके के इक्वल टू स्प्रिंग कांस्टेंट, हम स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए जो है एक डायमेंशन देखना चाहते हैं कि इसका डायमेंशन क्या होगा स्प्रिंग कांस्टेंट। ओके के इज इक्वल टू एफ बाई एक्स। ओके एंड सिमिलरली फोर्स का डायमेंशन अभी पहले निकाला है, देख चुके हो के जी एम एस माइनस टू एम एल टी माइनस टू के जी फॉर मैस फॉर कैपिटल एल एस फॉर कैपिटल टी एम एल टी माइनस टू। एक्स क्या है डिस्प्लेस्ड है ना, एक्सटेंशन है, लेंथ है, तो क्या ख्याल है ये भी एल आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा एल से एल कैंसिल, तो मेरे पास डायमेंशन क्या हो जाएगा एम टी माइनस टू। ठीक है जी, सो यहाँ पे अगेन अगर मुझे कह दिया जाए कि स्पोर्ट्स का भी डायमेंशन निकाल लें तो बहुत सिंपल, जस्ट प्लेस के का डायमेंशन इन प्लेस ऑफ के, तो मेरे पास क्या आ जाएगा एम टी माइनस टू, एक्स का डायमेंशन कैपिटल एल, तो अगेन मैं आ सकता हूं एम एल टी माइनस टू। आगे स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं हम स्ट्रेस की, किस चीज की स्ट्रेस की, स्ट्रेस जो है स्टूडेंट्स हमारे पास किस चीज के बराबर था, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। यानी स्ट्रेस क्या होता है, इस पर स्ट्रेस लगाते हो यानी प्रेशर लगाते हो, फोर्स लगाते हो उसके पर यूनिट एरिया पर, तो तुम्हारे पास अगेंस्ट फोर्स का बार बार जिक्र आता है के जी एम एस माइनस टू, यानी फोर्स जिक्र टू एम 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 फॉर के जी ए फॉर एम एस माइनस टू एन एम एल टी माइनस टू, तो अगेन लिख दिया एम एल टी माइनस टू, यहां लिख दिया स्क्वेयर, रीडिफाइन किया एरिया है, एरिया का ऑलरेडी तुम जानते हो मीटर स्क्वेयर, जब तुमको ऐसा यूनिट पता है तो मीटर लेंथ है, इसकी जगह पर उसके डायमेंशन लगा दो, दैट्स इट। आई कैन राइट एम एल टी माइनस टू एंड एल माइनस टू, सो यू कैन राइट एम एल वन माइनस टू टी माइनस टू, यू कैन ऑल्सो राइट एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ये किस चीज के लिए आ गया डायमेंशन स्टूडेंट्स, ये आ गया आपके स्ट्रेस के लिए। ठीक है, क्लियर स्क्वेयर ब्रैकेट्स को डालना नहीं बोलना। आइए स्ट्रेन के लिए देखते हैं इसको, व्हाट इज द डायमेंशन फॉर स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या था, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो क्या करते हो डेल एल डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, क्या ख्याल है स्टूडेंट्स, ये तो लेंथ लेंथ है, मीटर मीटर लगाया ये तो कैंसिल हो गया, तो ये कौन सी क्वांटिटी हुई डायमेंशन लेस, ऐसी क्वांटिटी जिसका कोई यूनिट नहीं होता उसका फिर उसको फिर डिस्क्राइब भी नहीं किया जा सकता डायमेंशनली, तो ऐसी क्वांटिटी को हम कहते हैं डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस, सो स्ट्रेन आर दी डायमेंशनलेस क्वांटिटी, क्लियर डायमेंशनलेस। आइए स्टूडेंट्स कुछ मजीद अदर फिजिकल क्वांटिटीज की तरफ चलते हैं, अदर फिजिकल क्वांटिटीज, ओके, सो हमारे पास नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास टाइम पीरियड, किस चीज का पेंडुलम का टाइम पीरियड के लिए निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स, किस चीज का सिंपल पेंडुलम,
ओके, बल्कि टाइम अगर आप सिंपल पेंडुलम का निकालने से पहले हम यंग मॉडुलस को देख लेते हैं। यंग मॉडुलस हमारे पास किस चीज के बराबर था, जो कि इलास्टिसिटी में आ जाता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन स्टूडेंट्स किसके बराबर है, स्ट्रेस बराबर है फोर्स पर यूनिट एरिया और स्ट्रेन बराबर था तुम्हारे पास डेल एल बाई एल। तो तुम क्या लिखते थे, इसको क्या राइट करते थे, ये जो एल है ये ऊपर आ जाता था और ए डेल हो जाता है आपके पास, ठीक है। यानी इसको कैसे लिखा जा सकता है, एफ एल ए डेल एल लिखा जा सकता है, ठीक है। तो हम अगर इस चीज के लिए अगर डायमेंशन को डिफाइन करें तो फोर्स का तुम ऑलरेडी देख चुके हो, ठीक है, एम एल टी माइनस टू, तो क्या था एम एल टी माइनस टू डॉट कैपिटल एल एल स्क्वेयर डॉट एल, तो ये एल इस एल से कैंसिल, तो क्या चीज आ जाएगी स्टूडेंट्स, एल टी माइनस टू एल माइनस टू बोथ विल बिकम एल वन माइनस टू टी माइनस टू। तो फाइनली मैं क्या लिख सकता हूं, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ये किस चीज का डायमेंशन आ गया, यंग मॉडुलस का, ठीक है। यंग मॉडुलस का टॉपिक पढ़ा था ना ग्रेड 9 में, उसका डायमेंशन। अब बात कर लेते हैं टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। सो टी इज इक्वल टू टू पाई एल ऑफ जी, आपको क्या लगता है कि जो एक्सेलरेशन का डायमेंशन है वही किस चीज का ग्रेविटी का डायमेंशन होगा, यस होगा, क्योंकि ग्रेविटी इज व्हाट एक्सेलरेटेड ड्यू टू वेट ऑफ द बॉडी, एक्सेलरेशन ड्यू टू वेट ऑफ द बॉडी, किसी बॉडी की वजह से किसी बॉडी के वेट की वजह से जो उसको डाउनवर्ड एक्सेलरेट किया जाता है, अट्रैक्ट किया जाता है टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, वो उसकी ग्रेविटी कहलाती है उस सब्जेक्ट की। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन और ग्रेविटी के अगर यूनिट सेम है तो इट मीन्स इनका डायमेंशन भी क्या होगा, सेम होगा, यानी दोनों जो है एम टी माइनस टू के डायमेंशन के साथ एग्जिस्ट करते हैं, एम टी माइनस टू एम टी माइनस टू, ठीक है, दोनों का डायमेंशन सेम है यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट टाइम पीरियड को देखना चाह रहे हैं हम, ये कांस्टेंट है, ये पाई है, ठीक है, सो दीज बोथ आर कांस्टेंट्स, कांस्टेंट्स जितने भी होते हैं स्टूडेंट्स दे ऑल आर डायमेंशनलेस, दे ऑल आर डायमेंशनलेस, कांस्टेंट का कोई भी डायमेंशन नहीं होता, ठीक है, कांस्टेंट का कोई भी डायमेंशन नहीं होता, इस चीज को स्टूडेंट्स आपने याद रखना है, ठीक है। सो हमारे पास यहां पे वंस अगेन सिचुएशन आ रही है कि हमने इन दोनों को डिस्क्राइब करना है, एल और जे के लिए एल जो है ये हमारे पास कैपिटल एल हो जाएगा, ये आपके पास ऑलरेडी आप देख चुके हो ये एक्सेलरेशन है, सो इट विल बी जो कि हम देख चुके हैं एम टी माइनस टू, सॉरी ये बल्कि आपके पास एल टी माइनस टू, सॉरी यहाँ आपके पास जो एम है वो मीटर है, कैपिटल एल से आएगा एल टी माइनस टू, ठीक है, एल से एल कैंसिल, ठीक है, स्क्वायर रूट जो है आप इसमें डाले रखेंगे, सो इट विल कम टू टॉप टी टू और नाउ इसका स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल आउट किया जा सकता है, इसको हम 1/2 कह सकते हैं, टी का स्क्वायर है 2 into 1/2, सो आप यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2 से कैंसिल है, m के अंदर इसका डायमेंशन 0 है, लेंथ के अंदर जो है इसका डायमेंशन क्या है,
जीरो है, टाइम के अंदर इसका डायमेंशन वन है। फिर ये वही टाइम वाला आ गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो है हमारे पास सेंट्रिपेटल फोर्स की बात कर लेते हैं, एफ सी एम वी स्क्वायर बाई आर। एफ सी एम वी स्क्वायर बाई आर। ओके स्टूडेंट्स, यहां पे एम क्या है मास, वी क्या है वेलोसिटी, आर क्या है रेडियस। सो मास जो है कैपिटल एम, वेलोसिटी एल टी माइनस वन का स्क्वायर, आर जो है रेडियस। क्या करोगे स्क्वायर खोल दे, एल स्क्वायर टू इंटू माइनस वन टी माइनस टू, एल आ गया आपके पास, तो ये आपके पास क्या चीज हो जाएगी एम एल स्क्वायर टी माइनस टू एल माइनस वन। यू विल फाइंड, यू विल फाइंड एम एल टू माइनस वन टी माइनस टू। ये क्या चीज आ जाएगी आपके पास एम एल प्लस वन टी माइनस टू। यही तो है आपके पास आमतौर पर फोर्स का डायमेंशन। ओके स्टूडेंट्स, ये था आपके पास एक मैकेनिक्स के जो आपके पास मैकेनिकल टाइप फिजिकल क्वांटिटी थी उनके डायमेंशंस थे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स के डायमेंशंस की। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स के डायमेंशंस की बात कर लेते हैं। जैसा कि इलेक्ट्रिक करंट, यस इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं तो उनका क्या डायमेंशन होता है। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को कैसे डिफाइन करते हैं स्टूडेंट्स, द चार्जेस फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया, द चार्जेस फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। सिमिलरली यानी तुम लिखते हो कि I जो है वो बराबर है क्यों भाई, ठीक है, ठीक है, आई जो है क्यू बाई टी के बराबर है। अब तुम अगर लेट सपोज इस चार्ज का यूनिट देखना चाहते हो, इसका डायमेंशन देखना चाहते हो, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम चार्ज का अगर डायमेंशन देखना चाहें तो ये जो क्यू है ये बराबर हो जाएगा आई क्रॉस टी के। वेल आई इज व्हाट, आई इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन क्या लिखा था एम्पेयर, मैंने कहा था जो उसका एस यूनिट है वही कैपिटल ए इसका डायमेंशन है। टाइम के अंदर जो है इसका डायमेंशन टी है, तो मैं कह सकता हूं कि जी ये इन दोनों के डायमेंशन ये थे। आई विल पुट एम्पेयर इनटू टाइम, सो ये आपके पास डायमेंशन आ गया किस चीज के लिए, चार्ज के लिए। ठीक है, इसी हिसाब से अगर तुम इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन देखना चाहते हो, ये तो चार्ज के लिए था कि चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, चार्ज का डायमेंशन ए एन टू टी होता है। इसी हिसाब से अगर तुम इलेक्ट्रिक करंट को देखना चाहते हो तो सिंपल पुट इट ए इन टू टी बाई टी, टी टी से कैंसिल, मेरे पास क्या है एम्पेयर। ठीक है, चार्ज का ए इन टू टी और इलेक्ट्रिक करंट का इसीलिए ही दिया गया था एम्पेयर, जहां जहां इलेक्ट्रिक करंट वहीं पे क्या है एम्पेयर। ओके स्टूडेंट्स, सिमिलरली हमारे पास अगर हम अकॉर्डिंग टू ओम लॉ की बात करें, ओम लॉ स्टूडेंट्स बराबर है V इक्वल टू I R। अब तुम इस चीज का यूनिट तो देख चुके हो इलेक्ट्रिक करंट का, आपको असल में दो न्यू डायमेंशंस के साथ इंट्रोड्यूस करवाना है, एक V है और एक R है। ठीक है, R हमारे पास क्या है,
आर बराबर होता है वी बाई आई के, यानी कि आई इसके नीचे चला जाएगा, ठीक है। और वी यहाँ पे क्या है, वी हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होता था किस चीज़ के, दो कंडक्टर के क्रॉस, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस को तुम किस चीज़ की इक्वल लेते थे, पोटेंशियल डिफरेंस को तुम लेते थे कि जी अगर हम किसी भी दो टर्मिनल के बीच का डिफरेंस ले लें, या फिर तुम किसी तरीके से दो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक सेम चार्ज को अगेंस्ट द टर्मिनल मूव करवाते हो, तो उसके लिए जो तुम वर्क डन यूटिलाइज करते हो वो तुम्हारे पास क्या होता था, वो तुम्हारे पास एक पोटेंशियल डिफरेंस होता था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो भी होता था आपके पास, ये आपके पास होता था वर्क और चार्ज, यानी कितना वर्क डन तुम किसी चार्ज पे करते हो, ठीक है, वो तुम्हारे पास उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता था। और वर्क अगर तुमने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ डायमेंशन स्टूडेंट्स, वर्क क्या करते हो, वर्क के लिए तुमने लिया हुआ है क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का तुमने लिया हुआ ऑलरेडी क्या है, फोर्स को आसानी से तुम याद कर सकते हो के जी एम एस माइनस टू, जब भी भूल जाए, ठीक है, एम मीटर फॉर एल टी माइनस टू, ठीक है, यहाँ पे तुम लिख सकते हो एम एल टी माइनस टू, ठीक है। इसी हिसाब से जो तुम्हारे पास डिस्प्लेसमेंट था उसके साथ एल, चार्ज का ऑलरेडी तुम देख चुके हो, चार्ज के तुम क्या लेते होते हो, यानी यहाँ पे तुम्हारे पास जो पर यूनिट चार्ज तुम वर्क डन करते हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, तो चार्ज तुम्हारे पास ए टी है, ठीक है, ए टी, तो यहाँ पे क्या चीज आ जाएगी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आ गया, ये क्या आ गया, ये तुम्हारे पास करंट आ गया, सिंपल इज दैट, इसको ऊपर ले जाएंगे हम एम एल टी माइनस टू क्रॉस एल ए माइनस वन टी माइनस वन, अरेंज करेंगे इसको टी माइनस वन टी माइनस टू टी माइनस थ्री आ जाएगा, ये एल स्क्वेयर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वेयर टी माइनस थ्री और ए माइनस वन, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स किसका डायमेंशन, मेरे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन आ गया मेरे पास, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। इसी हिसाब से अगर आप आर का डायमेंशन देखना चाहते हैं, तो आर जो है किस चीज के बराबर है, वी बाई आई के, बहुत सिंपल, मेरे पास डायमेंशन आ गया वी जो है एम एल स्क्वेयर ठीक है एम एल स्क्वेयर थ्री माइनस थ्री ए माइनस वन, ठीक है, ये डायमेंशन मैंने एज इट इज जीरो का डायमेंशन उठा लिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, और यहाँ पे एक इसके बराबर है ए इंटू इलेक्ट्रिक करंट जो है वो हमने डिफाइन किया था, इलेक्ट्रिक करंट जो है उसका डायमेंशन क्या है, वो आपके पास है एम्पेयर, ओके एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस वन डॉट ए माइनस वन, एम एल स्क्वायर थ्री माइनस थ्री ए माइनस टू, ये स्टूडेंट्स आ जाएगा किस चीज का, रेजिस्टेंस का, ओके किस चीज का, रेजिस्टेंस का। तो ये थे आपके पास स्टूडेंट्स डायमेंशंस, आपने तमाम फिजिकल क्वांटिटीज में देखा कि क्या होती है, पावर्स होती हैं, दीज आर दी पावर्स और यू कैन से एक्सपोनेंट जो कि फिजिकल क्वांटिटी से रेज की जाती है, ठीक है, पावर रेज की जाती है उस फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए उससे रिलेटेड फंडामेंटल क्वांटिटीज की पावर या एक्सपोनेंट को रेज किया जाता है, ऐसे जिससे उस क्वांटिटीज की को कंप्लीटली डिस्क्राइब किया जा सकता है, ये होती है डायमेंशंस स्टूडेंट्स। अब इसके बाद हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल है और कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं, यू विल सी दैट। होप सो यू एंजॉय दैट लेक्चर, सो मिलते हैं स्टूडेंट्स एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन में, थैंक यू।